मैं भी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ऐसे, दोनों कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट तुम्हारा कंटिन्यू करेंगे ना, आज कंबाइंड क्लास है तो मैं सोच रहा हूँ उसमें कुछ अलग पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो कंबाइंड क्लास होगा उसमें अपन कॉमन पढ़ लेंगे, बाकी सॉलिड स्टेट अपना खत्म कर लेंगे। वैसे ऑलमोस्ट दोनों ही बैचेस पैरेलल हैं, सारे बैचेस पैरेलल ही हैं, खत्म कर दूंगा। ORM 1 है, शुरू कर रहे हैं। अब ORM 1 में क्या ना, पहले अपन जैसे कुछ कुछ रिएजेंट्स पढ़ने होते हैं अपन, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स, सबको पता है क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा था। न्यूक्लियोफाइल्स, सबको बताया मैंने क्या होता है। कार्बोकैटायन, कार्बोनेट, फ्री रेडिकल्स, और बॉन्ड क्लीवेज। थोड़ा अपन ने कार्बिन और नाइट्रोजन भी पढ़ा होगा, ठीक है, ये सारा पार्ट अपन ने पहले से पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा पार्ट मुझे और पढ़ाना होगा, जैसे अब मैं एक पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट किसी को डाउट है तो बोलना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है शायद, है ना, और बॉन्ड क्लेवेज जितना होता है वो मैंने पढ़ा रखा है आपको, होमोलिटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन दोनों बताया था, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन, उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है वो अपन देखें। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, दैट इज उसको अपन ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो द रिय अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा अपन ने, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा अपन ने, तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में व्हाट हैपेंस कि व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, अब रिएजेंट जो होता है वो इनमें से होता है कोई, अटैकिंग रिएजेंट जनरली इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, रेडिकल है, कार्बोकैटायन है, लाइक दैट। व्हेन रिएक्ट्स विद, व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट्स विद विद द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्ट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एक्सेट्रा रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट इन द अटैकिंग रिएजेंट, सो व्हाट विल हैपन ना, सो अटैकिंग सबस्ट्रेट जो होते हैं ना इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सो विल राइट दैट, सपोज वी आर हैविंग the substrate which have polar sites। अब अपन को पता है पोलर साइट का मतलब हो गया, जैसे कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होगा तो उस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, अगर सी डबल बॉन्ड होगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, कैसे होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर NH2 है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, मतलब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो वहां पोलैरिटी होती है।
सो द सबस्ट्रेट विच हैव पोलर साइट व्हेन रिएक्ट्स विद रिएजेंट्स, व्हेन रिएक्ट्स विद रिएजेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रिएक्शंस में पढ़ना था हमको, इसलिए हमने पहले नहीं पढ़ा उसे, क्योंकि वो सिर्फ रिएक्शंस में ही पढ़ा सकते हैं। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपने पास एक रिएक्शन है, सपोज मेरे पास एक पोलर रिएजेंट है, ऐसे एक कंपाउंड है, और इसमें डबल बॉन्ड हो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये कीटोन्स है या एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो दिस इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा एक सबस्ट्रेट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन होगा, एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्रिश भाई म्यूट करके रखो अपने आप। सो व्हेन अ सबस्ट्रेट विच इज हैविंग अ पोलर साइट व्हेन इट रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोफाइल, व्हेन इट रिएक्ट्स विद द इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो विल से दैट अच्छा तुम्हारे बैच में लिंक नहीं दिया, तो लिंक तो अपना कॉमन ही रहता है ना आजकल। एक मिनट रुकना, मैं लिंक चेक कर लेता हूँ, अपन कंटिन्यू कर। तो अगर सबस्ट्रेट है तो जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रेडिकल ये सब होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं अपन अटैकिंग रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे ना, उसमें एक सबस्ट्रेट होगा और एक अटैकिंग रिएजेंट होगा, मतलब अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, तो अपन को पता चल जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाए, न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन सब बताया। हमें रिएजेंट पता होगा कि कौन सा रिएजेंट रिएक्ट करने वाला है, सो विल बी एबल टू डेल दैट। तो ये अटैकिंग रिएजेंट अब अपन कहेंगे जैसे ये है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट विल ऑलवेज रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच साइड, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच साइड कौन सा होगा, ये वाला। तो इसके पास तो अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता बॉन्ड बनाने के लिए, तो हमेशा जब भी रिएक्शन होगा ना, तो ये बात हमें आराम से दिख रही होगी कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमें आराम से पहचान में आ सकता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिच होता तो वो इससे रिपेल होता और इससे रिएक्ट करता। तो इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा अपन को यह पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस एटम के पास है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहीं अटैक करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, इधर तो ये जो लोन पेयर थे वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कहते हैं फिर उन्हीं पे अटैक करेगा। तो इधर दो लोन पेयर है तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपन इलेक्ट्रोफाइल को दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल को दोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, तो एक लोन पेयर तो वैसे ही, और एक इलेक्ट्रॉन अपन इलेक्ट्रोफाइल को देंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज आने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अपन कहेंगे इट विल बी लाइक दिस। अब हमको एक बात अच्छे से पता था कि देख भाई राइट ना,
कि भाई इसमें अपन को अच्छे से पता था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल अपन को बताया गया था। अब एक बात है, हमने यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव क्यों लिखा था, क्योंकि तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव था, बॉन्ड में पोलैरिटी थी अपन कहेंगे। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ना एक्स्ट्रा, तो फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ना इसका, ये वाला पाई बॉन्ड इसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ये वाला इधर वाला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस वाले से। इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ उल्टा पड़ेगी। तो फिर अपन कहेंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इससे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्ड अप होगी, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। मतलब स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब दोनों डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जो एक ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और एक ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इनमें से इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डैश वाले का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो नहीं था ना इसमें, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा। ठीक है, बाकी आगे अपन सोचेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्लस इफेक्ट। आगे पढ़ेंगे रिएक्शन, लेकिन हमें यह पता चल गया कि अगर कोई रिएक्टेंट गिवन होता है सब्सटेंस, उस पर कोई इलेक्ट्रो अगर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा वो अपन को पता चलेगा। अब अपन दूसरा देखते हैं, जैसे इसमें लिखा अपन ने एक रिएक्शन ऐसे न्यूक्लियोफाइल के साथ, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो उसको अपन कहते हैं माइनस इफेक्ट। सो अगर मेरे पास ऐसे होता आर सी डबल बॉन्ड ओ, और अपन कहते हैं यहां पर एच, तो इसमें अगर मैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाता तो अपन कहते हैं देखो सर, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस बार आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब अटैकिंग रिएजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन रिच, राइट? ठीक है ना। तो अगर अपन कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस बार इसको कहाँ अटैक करना चाहिए? ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, राइट ना? तो यहां पर बिल्कुल मैंने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये बने, राइट? सो वी हैव, अभी अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक इसलिए क्योंकि इसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ तो रिपेल करेगा वो, क्योंकि इस पे तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, वहां जा भी नहीं सकता, उसके आसपास भी नहीं रह सकता ऑक्सीजन एटम के, सो वो कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन अपन कहेंगे कार्बन तो चार ही बॉन्ड बना सकता है, तो अपन वीकेस्ट बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, ये तो सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, जो पाई बॉन्ड होगा उसको ब्रेक कर लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, तो विल गेट अ न्यूक्लियोफाइल, अपना बॉन्ड बना लेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स थे, और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये वाले वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ऑक्सीजन की तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अपन ने ऐसे जैसे बोलते हैं ना अपन की भाई, मान लेते हैं कि अपन ने ऐसे ऐड किया किसी में, जैसे सपोज अपन कहते हैं कि हमारे पास ऐसे गिवन है, दैट इज एक भाई कोई भी, अपन ने कहा एच सी एल है हमारे पास, या एच टू ओ है हमारे पास, और इसमें एच प्लस साइन ऐड किया, तो अपन क्या करेंगे, एच थ्री ओ पॉजिटिव लिखेंगे भाई, रिएक्शन तो बैलेंस करोगे ना, तो अपन इधर इसको अटैक करवा के, और ये न्यूट्रल था, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था, तो इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए चार्ज भी तो देखना होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो ऑब्वियसली बात है सबस्ट्रेट में एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और वो है, तो सब्सट्रेट में एक नेगेटिव चार्ज रहेगा पर रिएक्शन बैलेंस। तो ये जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, जब न्यूक्लियोफाइल किसी सब्सट्रेट पे अटैक करेगा, ये सब्सट्रेट है और ये अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है ना, ये सब्सट्रेट है और ये अटैकिंग रिएजेंट है, तो जब सब्सट्रेट न्यूक्लियोफाइल होगा तो दिस इज कॉल्ड माइनस इफेक्ट,
माइनस इफेक्ट बिकॉज सब्सट्रेट इज ना बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज सब्सट्रेट इज सब्सट्रेट आपका जो सब्सट्रेट था वो न्यूक्लियोफाइल था इसलिए वो रिएक्शन मैकेनिज्म बताया राइट। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है मतलब किसी भी रिएक्शन में जो सब्सट्रेट होगा उसमें अगर पोलर साइट है तो दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है अगर हमें रिएजेंट का राइट ना नेचर पता है तो अपन ये बता सकते हैं कि ये कहां रिएक्ट करेगा किसी भी सब्सट्रेट में इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक। अब अगर अपन चेक करेंगे so sir the substrate is nucleophile or the compound or both नहीं nucleophile वो होगा ना जो ये होगा ये तो substrate है substrate थोड़ी nucleophile होगा substrate तो reactant होता है attacking reagent जो होता है वो होता है nucleophile electrophile या कुछ ऐसा। so the attacking reagent अपने ये reagent लिखे ना यहाँ पर हमने यहाँ पर reagent में कभी वो नहीं लिखा right ना so that is a reagent Yes. So, अपने से बता so, this is, तो अपन यहां पर बता सकते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब आगे वो अपने आप न्यूट्रलाइज होगा आगे रिएक्शन से हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप चाहिए था कि फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है दैट्स ऑल मतलब अभी तो अपन शुरुआत सीख रहे हैं ना रिएक्शन की भाई शुरुआत में क्या होगा ठीक है अब क्या प्रॉब्लम है सर फिर वो न्यूक्लियोफाइल के लिए वहां सब्सट्रेट के जगह रिएजेंट होगा ना कहां लिख रहा है रिएजेंट ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल इज सब्सट्रेट लिखा है भैया सीधा सीधा मैंने ये लिखा है कि व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इट्स माइनस लो भाई ओके ठीक है ये हो गया। अब यहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्योंकि कभी कभी मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की जरूरत पड़ जाती है हमको कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो फिर बता दें। अब अपन ने इलेक्ट्रोफाइल वगैरह ये सब तो पहले से पढ़ रखे हैं अब थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी अपन पढ़ चुके हैं काफी कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं सॉल्वेंट्स ठीक है ना थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट्स ठीक है अब कोई अपन से ऐसे पूछने वाला नहीं है डिस्क्राइब द सॉल्वेंट अगर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स की बात करेंगे ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट दो टाइप्स होंगे पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट विच हैज पोलैरिटी पोलैरिटी मतलब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा दे आर पोलर सॉल्वेंट्स विच हैज पोलैरिटी ठीक है और नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनमें पोलैरिटी नहीं होगा तो दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड है साइक्लोहेक्सेन है CH2 है ईथर्स है इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होंगे ना उनको अपन नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट दो टाइप्स होगा एक होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं सो वी कैन राइट दैट ऑल सॉल्वेंट्स विच हैज OH
विच हैज OH एंड NH बॉन्ड एंड NH बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर. तो पोलर प्रोटिक का मतलब होता है H प्लस आई. वी नो दैट, एवरीबॉडी नोज दैट. भाई प्रोटिक का मतलब होता है H प्लस आई और ए प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें H प्लस आई नहीं होगा, मतलब जिसमें OH और NH बॉन्ड नहीं होते. भाई सॉल्वेंट है, पोलर है, लेकिन उसमें H और OH नेगेटिव आई नहीं है. सो अपन कहेंगे विच आर पोलर बट do not have OH and NH bond. NH bond. उनको अपन कह देंगे aprotic solvents. अब polar protic solvent और aprotic solvent के example लिखते हैं. तो अगर हम polar protic solvent के example लिखेंगे तो मैं next page पे जा रहा हूं. तो polar protic solvents क्या होते हैं और polar aprotic solvents. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे तो अपन लिखेंगे H2O है, HCOH है, C2H5OH है, अपन CH3OH भी लिख सकते हैं, CH3OH है, C2H5OH है, CH3COH है, NH3 है, बाकी भी हो जाएंगे और CH3 NH3 लेते हैं. These are polar products. So, सभी में OH bonds होंगे. और polar aprotic solvent की अगर अपन बात करेंगे तो polar aprotic solvent. So, we'll write that it will be DMF. CH3Cl, DMSO, right? Then we can write that DMA मतलब ऐसे ना, मतलब वही लिखना है जो अपन को मेनली यूज करना. सो हेक्सामेथाइलिन ट्राइअमाइन फॉस्फेट. So, HMTP, acetone, मतलब मेनली जो यूज होते हैं वो ये यूज होता है. अब इनमें जो ऑर्डर लिखा ना अपन ने वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है, राइट ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में लिखा अपन ने, या भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में, सो दैट की मतलब जब पढ़ी रहे तो अपन ऑर्डर भी लिख ही लेते हैं कि भाई ऑर्डर क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी. अब जरूरी नहीं कि अपन को एग्जांपल यही दें, वो काफी सारे एग्जांपल अपन को दे सकते हैं कि भाई और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन हमें एक बात पता है कि जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे अगर मुझे NH और OH बॉन्ड दिखेगा तो मैं पोलर प्रोटिक बोल दूंगा. इन सभी में NH और OH बॉन्ड है. इसमें DMF इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, मिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड विल बी लाइक दिस. दिस इज फॉर्मामाइड, ये फॉर्मामाइड होता है, दिस इज फॉर्मामाइड. और फॉर्मामाइड को अगर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड लिखना है तो अपन को दो मिथाइल ग्रुप लगाने होते हैं, लगा देते हैं, ये दो मिथाइल ग्रुप है. इसमें पोलैरिटी तो है ये कंजुगेशन की वजह से, लोन पेयर कंजुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ, बट NH या OH बॉन्ड नहीं है. सो पोलर तो है लेकिन NH और OH बॉन्ड नहीं है. सो पोलर तो है बट नॉट द प्रोटिक बॉन्ड. Methyl cyanide, we know that. We won't have to write the structure even for that because cyanide ka structure apan ko pata hai kaise hota hai. It is also having a polarity. Isme bhi polarity hai. Isme bhi polarity hai. That is a polar solvent but not, right, protic. This is dimethyl sulfoxide. Dimethyl sulfoxide. Apan ko kitna bhi example de sakta hai koi. कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस ये चेक करना होता है प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे और एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होंगे. सो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड मींस दिस इज द डाइमिथाइल सल्फोक्साइड.
दिस इज कॉल्ड डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड. सो दिस इज हेक्सामिथाइलिन राइट ट्राइअमाइन फॉस्फाइड. So that will be like this, no? Hexamethylene means we'll have phosphine. So phosphorus with five bonds. Triamine means there is three nitrogen atoms. Nitrogen forms phosphorus from five bonds. Nitrogen form three bonds. So the hexamethylene two methyl group on each nitrogen atom. So this is hexamethylene. Two methyl group on each nitrogen atom. So three bonds of nitrogen. So the due to the lone pair on the nitrogen atom, there is delta positive and delta negative charge on this. So it is polar, but not protic because it's my NH or OH bond nahi hai. Acetone is also a polar and a protic. So this is how we write that, right? Polar protic solvent. The polar protic and the polar aprotic solvent. So we got that. Nitrogen pe del positive ke. अपने पास डेल्टा पॉजिटिव ये सॉल्वेंट्स थे. सॉल्वेंट्स को अपन दो टाइप से, एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा. नॉन पोलर में अपन को ज्यादा वो नहीं करना होता, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन ऑल साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन ऑल लिक्विड्स मतलब हेक्सेन ऑनवर्ड्स आर ऑल मतलब C6 से लेके C17 तक सारे के सारे लिक्विड ही होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनमें से कोई भी लिख सकते हैं. बट एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर देखें भाई उतना ही पढ़ते हैं जितना अपने सिलेबस में, तो अपन कहेंगे पोलर भी दो टाइप से होंगे, एक प्रोटिक और दूसरा एप्रोटिक जिसमें प्रोटॉन नहीं होगा. अब जिसमें NH या OH बॉन्ड नहीं होगा उसको अपन एप्रोटिक बोलते हैं. ये नहीं होना चाहिए, डू नॉट हैव दिस. तो इनमें अपन ने बताया पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या. नेक्स्ट चेक करते हैं अपन. नेक्स्ट अपन लिखेंगे जैसे अब अपन कहेंगे ठीक है सर, अब आप ये बताओ कि अगर मान लो मेरे पास द रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स सॉल्वेंट्स अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में बॉटवेल आते हैं. जैसे अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में विल हैव लाइक दिस. कौन सा चार्ज और कहां क्या करना है बताओ, क्या पूछ रहे हो मतलब. एन पे डेल प्लस क्यों है तो कहां होगा डेल प्लस, तो कहां होगा डेल प्लस, एन पे नहीं होगा तो कहां होना चाहिए बताओ. यहां तो नहीं पूछा तुमने कि एन पे डेल्टा प्लस क्यों. और कहां होगा डेल्टा को, अब तो ये पूछने नहीं चाहिए अपन को क्योंकि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई. ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे तो ये बनेगा नहीं बनेगा. तो बताओ कहां पॉजिटिव चार्ज लिखे और कहां नेगेटिव चार्ज लिखे. तो जब यहां डिलोकलाइज होगा तो कहां पॉजिटिव चार्ज और कहां नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब. लोन पेयर कंजुगेशन फास्फोरस थोड़ी कंजुगेशन. तो अपन कहेंगे इसको क्यों हटाया, इसको हटाने की जरूरत नहीं थी. चलो ठीक है. रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की अगर अपन बात करेंगे तो सर अपन कहेंगे देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, देयर विल बी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा. इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. अगर मेरे पास कोई कैटाइन होगा
दैट कैटायन कैन बी सॉल्वेटेड बाय ऑक्सीजन, दैट कैटायन विल बी सॉल्वेटेड बाय ऑक्सीजन. That cation will be solvated by oxygen. Delta negative. और ये सॉल्वेट होता तो स्टेबलाइज होता है, वीन होता है. अगर इसके साथ कोई एनायन भी रहा होता, अगर कोई एनायन है तो वो भी सॉल्वेट होगा, तो वो भी सॉल्वेट. Millions of water molecule, मतलब millions of H plus ion, delta H plus ion will solve this, and millions of oxygen atom, जो अपन hydration पढ़ते हैं. I have told you what is hydration. तो ये ना due to presence of proton ना, proton पर delta positive charge काफी ज्यादा होता है, so I deform hydrogen bonding. अगर वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अटैच है तो प्रोटॉन कैन सॉल्वेट द एनायन एंड ऑक्सीजन कैन सॉल्वेट द कैटायन. तो पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट द कैटायन एज वेल एज एनायन. पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट कैटायन as well as anion. और अगर सॉल्वेशन होता है तो चार्जेस का स्टेबलाइजेशन होता है, क्योंकि वो चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं. तो किसी का भी चार्ज अगर न्यूट्रलाइज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. चार्ज अगर चार्ज का स्ट्रेंथ कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, वीन होता है. अब अगर अपन चेक करें रोल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो अपन कहेंगे अगर अपन रोल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो एप्रोटिक में अगर अपन चेक करेंगे तो दे डू नॉट हैव, यहां पर ये दिख रहा है तो फिर से लिखने की जरूरत है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव. अभी डेल्टा पॉजिटिव अगर हाइड्रोजन पे होता तो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना देते हैं. ये डेल्टा पॉजिटिव बहुत वीक होगा, वेरी वीक. इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और उसकी तरफ शिफ्टेड भी है इलेक्ट्रॉन्स. सो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन ओनली सॉल्व इट द कैटायंस बट नॉट द एनायंस. प्रोटॉन नहीं है ना अगर, तो एनायन सॉल्वेंट नहीं हो पाएगा. सो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन ओनली सॉल्व इट द कैटायंस बट नॉट द एनायंस. द एनायंस, सो इफ इन एनी रिएक्शन we require high strength of anion and low strength of cation, then use polar aprotic solvent. So, अगर मान लो किसी रिएक्शन में मैंने NaCN को रिएक्ट करवाया, अपन को पता है इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है. मैं चाहता हूं कि इसका चार्ज ना न्यूट्रलाइज ना हो, ठीक है, तो इस रिएक्शन को एप्रोटिक सॉल्वेंट में कर लो. एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ये कैटायन को तो सॉल्वेट कर सकते हैं, इसके चार्ज को तो डिक्रीज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते. और अगर मुझे दोनों के ही चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो पानी में डाल दो, मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट में कर दो. प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन को भी सॉल्वेट कर लेता है, एनायन को भी सॉल्वेट कर, दोनों को सॉल्वेट करके स्टेबलाइज कर लेते हैं.
लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ कैटाइन स्टेबलाइज हो सकता है, एनाइन स्टेबलाइज नहीं हो सकता। सो अगर ऐसे रिएक्शन जिसमें मुझे एनाइन का स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो उसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं होने दूंगा। और ऐसा कब होगा? जो अपन एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज देयर इज अ रूल। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है are used when cations or anions are not formed in the reaction, in reaction. ऐसे रिएक्शन में जिसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने यूज किया होगा ना, वहां cation anion बिल्कुल नहीं बन रहे होंगे, या फिर vice versa. ऐसे रिएक्शन जिनमें कैटायन एनायन नहीं बनते उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करो। ऐसे रिएक्शन जिनमें राइट हाई स्ट्रेंथ ऑफ एनायन चाहिए, इन विच हाई स्ट्रेंथ ऑफ एनायन इज रिक्वायर्ड, तो ठीक है एप्रोटिक सॉल्वेंट में कर लो। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें कैटायन एनायन दोनों फॉर्म हो रहे होंगे तो दोनों को सॉल्वेट करता है, फॉर्म हो रहे होंगे तो वो स्टेबलाइज होंगे ना सॉल्वेशन से, तो फिर अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लेंगे। तो दैट इज द रोल ऑफ प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, व्हाई वी विल यूज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, व्हाई वी विल यूज द एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये राइट। So, हमें ये पता चल गया कि भाई जितने भी ये सब थे ये मतलब सॉल्वेंट में अगर अपन चेक करेंगे तो ये एनाइन को सॉल्वेट कर सकते हैं क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये कैटायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है यहाँ डेल्टा नेगेटिव है। तो जितने भी सॉल्वेंट आप बना रहे हो इन सब में जहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो ना वहां स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये कभी सॉल्वेट करने के लिए जा ही नहीं पाएंगे पास। यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उनमें सॉल्वेशन नहीं। सो दे कैटायनिक पार्ट कैन नॉट सॉल्व इट बिकॉज देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सॉल्वेंट्स थे। लास्ट में अपन ने बॉन्ड क्लेवेज पढ़ा था, दैट इज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लेवेज आर देयर, हेटरोलाइटिक एंड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज, वो अपन ने लास्ट में पढ़ लिया था बॉन्ड क्लेवेज। तो फिर नाउ विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, वी कैन से दैट बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे होता है वो देखते हैं। बॉन्ड क्लेवेज एक्सप्लेन नहीं किया था, किया तो था, दो टाइप्स होता है। बॉन्ड क्लेवेज एक्सप्लेन किया तो था बेटा लास्ट टाइम, बॉन्ड क्लेवेज पढ़ा है ना लास्ट टाइम, हाँ किया है, सब बोल रहे किया है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट बोल रहा है हाँ सर हुआ था बॉन्ड क्लेवेज, सब बोल रहे जीओसी वन के पहले, हाँ बॉन्ड क्लेवेज पढ़ाया था ना जीओसी वन के पहले जिसमें कैटायन एनायन हो गया, ठीक है। तो पेज नंबर टू ये था, होमोलाइटिक क्लेवेज एंड हेटरोलाइटिक क्लेवेज, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो फिर अपन पढ़ेंगे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, अपन पढ़ेंगे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो बेसिसिटी जो होता है ना विल से दैट, अब ये दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिसिटी भी और न्यूक्लियोफिलिसिटी,
तो पहले अपन बेसिसिटी पढ़ते हैं। बेसिसिटी मींस बेसिक स्ट्रेंथ, राइट? सो बेसिसिटी मींस बेसिक स्ट्रेंथ भी हो सकता है। द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल और एनाइन, और एनाइन to remove the H plus ion from the substrate, अब H plus ion को remove करने का मतलब its basic strength, basicity is directly proportional to basic strength. सर अगर बेसिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लिखने की जरूरत क्या है सर? अब अपन को कोई ऐसे नहीं पूछने वाला ना, बताओ ये ज्यादा बेसिक है या ये ज्यादा बेसिक है, ऐसे कोई नहीं पूछने वाला हमको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक स्ट्रेंथ पूछने वाला है, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बेसिक स्ट्रेंथ पूछने वाला है। अपन एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल को ऐसे पूछेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो इसमें। वैसे मैं आपको बता चुका हूं काफी कुछ, सो अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, नेगेटिव चार्ज, OH माइनस आइन एंड F नेगेटिव आइन, अगर इनमें बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अपन को चेक करना। तो अपन एक काम करते हैं, इनमें प्रोटॉन डालते हैं। जब भी मुझे बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है ना किसी भी एनायन का, तो मैं इनमें प्रोटॉन डाल दूंगा। प्रोटॉन डालूंगा तो ये CH4 होगा, ये NH3 होगा, ये H2O होगा और ये HF, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना बड़ा इजी है अपने लिए। तो इसमें अपन चेक करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो HF इज मोर एसिडिक देन वाटर, इज मोर एसिडिक देन दिस, इज मोर एसिडिक देन दिस। इनके पीके वैल्यूज भी अपन को पता है, इसका 4 होता है 15.75, 28, 45, अपन ने तो पीके वैल्यूज भी लिखे हैं सभी के। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द कॉन्जुगेटेड बेस, वीकर द एसिड, स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, ये तो बड़ा इजी है सर, आराम से कैलकुलेट करके बता दूंगा। क्योंकि अगर आप एनायन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछोगे, मुझे ये ऑर्डर आपने एसिड बेस मतलब आयनिक में भी बताया, GOC में भी बताया, वो सारे पार्ट अपन ने पढ़े, तो अपन इजीली बता सकते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, सब कुछ पीके वैल्यू वगैरह अपन ने सब पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल। तो अपन ने पीके आयनिक में, सेकंड मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, आई नेगेटिव, BR नेगेटिव, CL नेगेटिव, F नेगेटिव, तो व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। द बेसिक स्ट्रेंथ मींस बेसिसिटी, और बेसिसिटी बोलते हैं अपन इसे, द बेसिक स्ट्रेंथ, और इट इज कॉल्ड बेसिसिटी। सो इसमें भी मैं बेसिसिटी मतलब सीधा सीधा बेसिक स्ट्रेंथ है, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो अगर अपन बेसिसिटी की बात करेंगे तो विल राइट दैट द बेसिसिटी, इसमें आप कैसे बताओगे, तो पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, और एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा चेक करेंगे ये अपन एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मुझे पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो इसमें मैं बेसिक स्ट्रेंथ लिख सकता हूं। तो इसमें आप दोनों ऑर्डर मुझे बता देना,
मैं क्या सोच रहा हूँ सीधा क्वेश्चंस दो ना इनको, क्योंकि अब आपने बता तो दिया ही है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सीधा क्वेश्चन से दे के और सॉल्व करवा लो कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करो आप तो, कि भाई कैसे बेसिक स्ट्रेंथ आएगा आप वो बताओ। तो अगर अपन क्वेश्चन लिखें कि सब में आंसर लिखो, मैं रेंडमली मतलब आपको एनआईन देता हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना होगा कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द गिवन क्वेश्चंस। तो आप इसमें मुझे बता दो कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद अपन बेसिसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एथेरिक स्ट्रेंथ अपन को पता है भाई, सबको पता है कि कैसे अपन को चेक करना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एथेरिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक तो आप ऐसे अरेंज कर लो, हाँ जी भाई ये क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस कर देते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ अपन को पता चल, ठीक है करो कैलकुलेट। इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये वाला था, तो ये वीकेस्ट बेस रहेगा, और वीकेस्ट एसिड ये वाला था, तो ये
डिक्रीज इन ऑर्डर लिखा है ना। सेकंड वाला भी लिख दिया, सेकंड वाला भी सही है तुम्हारा, उसने सेकंड वाला भी लिख के बताया, वो भी उसका करेक्ट था। ये टू होगा, ये वन है, टू है, ये थ्री है, ये फोर। सेकंड वाला भी सही है। अब थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले में सोचना पड़ेगा, लेकिन वो भी बड़ा इजी होगा पता। इसको ना मैं ऐसे बना दूंगा। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इन दोनों में से, इनकी बात कर रहा हूं, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्लस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, इसका प्लस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और नेगेटिव चार्ज का अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ये मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब है जल्दी से बनेगा, मोर स्टेबल का मतलब है जल्दी से बनेगा, और जल्दी से बनने का मतलब है प्रोटॉन जल्दी देना, जल्दी बनने का मतलब है जल्दी देना, ये प्रोटॉन जल्दी देगा। सो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस, स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द कॉन्जुगेटेड बेस। अपन ने पढ़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ, थंब रूल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अगर एनायन ज्यादा स्टेबल है तो वो एसिडिक ज्यादा था। प्रोटॉन जल्दी इसलिए देगा इसके कंपैरिजन में क्योंकि इसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, दैट इज अ थंब रूल, नहीं होता। अब बताओ, मैं ये वाला पार्ट तो हटा सकता हूँ, सेकंड वाले एग्जांपल क्यों हटा रहे हो सर, लिखा तो नहीं अच्छा नहीं था, क्यों हटा रहे हो? मुझे ना मतलब नेक्स्ट पेज पे चले बने एक बार, मतलब वो लिखने के लिए एल्कोहल को डिस्कस करने के लिए। एल्कोहल में अगर मेरे पास ऐसे बदले CH3CH2OH और दूसरा अल्कोहल मेरे पास ऐसे बना, तो आपने हमें एक बात बताया ना, इससे आपने जब ये डिस्कस किया था तो आपने ये कहा था कि ये ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी। इसका प्लस इफेक्ट और इसका प्लस इफेक्ट, इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा है, मतलब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक है इससे। स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर द कंजुगेटेड बेस। अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी कम होगी, और पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसमें ये बड़ा एल्काइल ग्रुप ज्यादा प्लस इफेक्ट देता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी कम होगी, ये ज्यादा बेसिक है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड था इससे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, सो ये ज्यादा बेसिक है इससे, ज्यादा बेसिक है इससे। आई थिंक यू गॉट इट, मतलब अपन को क्या करना चाहिए, राइट? इधर इधर तो सब अलग अलग बता सकते हैं।
हो गया। तो इन सब में OH, HCO3, F और CH3, F और CH3 में गलती कर देता हूं। F का PKa 4 बताया तभी मैंने, जबकि ये 4.74 होता है, इसलिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लास्ट वाला, लास्ट वाले में अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ याद है, मतलब लास्ट टाइम अपन ने ऐसे किया था। अगर अपने पास उससे गिवन इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ना ये था अपने पास। तो इन सब में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपन चेक करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा और लीस्ट ये होगा। इन दोनों में डिसाइड करना होगा। इसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ये 2 होगा, ये 3 होगा। इसका एनायन सबसे ज्यादा बेसिक, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेटेड बेस, फिर ये, फिर ये, फिर कट द ऑर्डर, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, नहीं फिर ये वाला, फिर ये, यही तो क्या पड़े यार। बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट ना, क्या किया अपन ने। तो आप देख सकते राइट। तो अब आप इनमें से जो भी आपको समझ में नहीं आया बता दो, तो बता देते हैं भाई। वाटर है, एसिटिक एसिड है, फिनॉल है, एल्कोहल है। वाटर है, एसिटिक एसिड है, फिनॉल है और एल्कोहल तो इसका पीके होता है, ये भी बताए हुए हैं आपको, 15.75, 4.75, 4, ये 10 और ये 16। हायर द पीके लेसर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले मोस्ट एसिडिक, तो लोअर द पीके मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ले भाई हो गया, तो इनमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ बताना है तो C2H5O नेगेटिव ग्रेटर देन होगा H2O, मतलब O नेगेटिव और PHO नेगेटिव और उसके बाद फिर CH3CO नेगेटिव। या ये आपको मैंने बताया, H2S का पीके 10 के आसपास होता है। H2S भी पीके ही लिख देता हूं ना, ये 10 है, ये 7 है, ये 45 है, ये 28 है। पीके वैल्यूज अगर लिखेंगे हम, तो इसका पीके 28 है, इसका पीके 45 है, ये 7 है और ये 10 है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, तो वीकेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस। वीकेस्ट एसिड ये है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेटेड बेस। एवरीबडी गॉट इट। नेक्स्ट लेक्चर।
अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक की। न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब उसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एनायन और मॉलिक्यूल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। Electron deficient center of the substrate. अपन कहेंगे सर ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता सबस्ट्रेट या क्या है, हमें तो बस ये पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसे दूध तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो अपन कहेंगे सर उसमें क्या है भाई, किससे इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी, जिसका साइज बड़ा हो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ऐसे कुछ केवल है, ये डेल्टा नेगेटिव है ये डेल्टा पॉजिटिव है, और अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है उससे अपन को इसको इलेक्ट्रॉन दिलवाना है, न्यूक्लियोफाइल से ये डेल्टा पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन दिलवाना है, तो जितना इजिली ये इलेक्ट्रॉन दे देगा उतनी अच्छी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। हाँ तो ठीक है ना, आई का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्डेड होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन इजीली दिला देंगे। तो आप क्या ये चाहते हो कि मतलब साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? बिल्कुल यही चाहता इन ऑल ग्रुप्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा अगर आप चाहते हो कि भाई H2S का न्यूक्लियोफिलिसिटी H2O से ज्यादा है, PH3 का न्यूक्लियोफिलिसिटी NH3 से ज्यादा है, HS का न्यूक्लियोफिलिसिटी OH से ज्यादा है, आप लिखोगे मतलब इसमें 3 ऐसे ABCD कर देते हैं सेकंड वाले में, क्योंकि अपन दो ही दो लिखते हैं ना, ऐसे नंबर्स ही बढ़ेंगे बाकी कुछ ना होगा, अलग अलग कर लेते हैं। या RO का न्यूक्लियोफिलिसिटी OH से ज्यादा है, हाँ इसमें तो दोनों ऑप्शन है लेकिन सर डोनेटिंग एटम, तो अपन कहेंगे अगर RO लिख रहे हैं तो एल्काइल ग्रुप होगा ना, और एल्काइल ग्रुप अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका तो प्लस इफेक्ट है, इसका थोड़ी प्लस इफेक्ट होता है, एच का थोड़ी प्लस इफेक्ट होता है, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऑर्बिटल साइज इसके बढ़ेंगे इसके कंपैरिजन में, इसके ऑर्बिटल साइज छोटे होंगे ना इसके बड़े होंगे, ऑर्बिटल साइज बड़े होने का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। तो किसी भी ग्रुप में ना न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। तो ठीक है, अच्छा इसमें बताओ फिर मेरे पास ये गिवन है, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी इन सब में साइज किसका बड़ा है, कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, सब पे नेगेटिव चार्ज है,
तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इससे, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इससे। मतलब किसी भी पीरियड में एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी इन अ पीरियड, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। फ्रॉम LHS to RHS, because size decreases, तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन ऐसे भी लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास H2S है और H2O है, तो इसकी न्यूक्लियर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा, वो तो आपने पहले ही लिखा हुआ था, कुछ अच्छा लिखा, ये तो पहले ही आपने लिखा हुआ, कुछ अच्छा लिखा। आप एक ही पीरियड की बात करोगे तो कुछ अच्छा लिखो एक ही पीरियड में, ऐसे दिखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे कितने NH3 और H2, तो नाइट्रोजन का सेल्स बड़ा है, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो अपन कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो नेगेटिव चार्ज है, दोनों न्यूट्रल थोड़ी है, कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑर्बिटल साइज बहुत बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी देने की टेंडेंसी इससे ज्यादा होगी, ये तो न्यूट्रल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसके न्यूक्लियर वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसके न्यूक्लियर वेलोसिटी इससे ज्यादा तो अपन कहेंगे सपोज हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर है, मतलब मैंने उसको ऐसे चार्ट चार्ट वाले का ज्यादा ही होगा न्यूक्लियर वेलोसिटी, है ना कोई। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सपोज अपन लिख लेते हैं सल्फर और मतलब नाइट्रोजन दोनों, तो अगर मेरे पास PH2 है नेगेटिव और SH नेगेटिव है, तो दोनों में से साइज किसका बड़ा होगा, फास्फोरस का या सल्फर का, तो अपन कहेंगे फास्फोरस पहले आता है सल्फर से, इट विल बी लाइक दिस, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में अपन व्हेन द डोनेटिंग एटम इज सेम एंड ऑल दी एनाइंस आर फ्रॉम सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप देन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस विद स्टेरिक हिंड्रेंस, विद स्टेरिक हिंड्रेंस। देन न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस विद द स्टेरिक हिंड्रेंस। एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसे कितने तो अपन कहेंगे देखो इसमें डोनेटिंग एटम सभी में एक जैसा है और सभी अल्कोहल से बने OH, तो डोनेटिंग एटम सेम है और सभी सेम फंक्शन ग्रुप से बने हुए हैं, तो फिर
जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियर वेलोसिटी कम होगी। उस स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो कोई भी हो सकता है वो, ऐसे भी बता सकते हैं। न्यूक्लियर वेलोसिटी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियर वेलोसिटी ऑफ दिस। ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूक्लियर वेलोसिटी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर वेलोसिटी ऑफ दिस। उस स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियर वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो दैट पार्ट विल रिमेंबर कि भाई अगर डोनेटिंग एटम सेम है और दे आर फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो न्यूक्लियर वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। सर सर लेकिन ये इंस्टेबिलिटी तो बढ़ती है ना स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ, तो फिर डोनेट तो उसमें सर इंस्टेबिलिटी तो बढ़ती है ना, इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी हाँ सर हाँ तो सर उससे डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, क्या बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी सर। हाँ तो कैपेसिटी बढ़ेगी दे तो, लेकिन जहां देना है वहां भी तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, वहां भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहां भी तो जहां देना है वहां भी तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब ऐसे ही पर कोई एक सिक्स पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा। इफ डोनेटिंग एटम इज सेम एकदम, वैसे उस पर देखना ना मुझे भी कहते हैं ना मुझे भी ना हेडेक होने लगता है, इसलिए बार बार दूर चला जाता हूँ, ऐसे बोर्ड पे ही पढ़ना होगा मुझे लग रहा। इफ डोनेटिंग एटम इज सेम बट द एनायन और मॉलिक्यूल्स आर from different functional groups then nucleophilicity is same as basis. मतलब अगर हमारे पास गिवन है एग्जांपल लेते हैं, तभी अगर अपने पास ऐसे गिवन है, मान लो अपने पास OH माइनस पीएच ओ माइनस तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वही ऑर्डर फॉलो करेगा जो इनका बेसिस दिखा होगा। तो फिर अपन कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा बेसिस ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। मतलब अगर डोनेटिंग एटम सेम है एंड दे आर फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सिमिलर टू बेसिसिटी। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के एग्जांपल्स। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर अगर एक में डोनेटिंग एटम बड़ा है पर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो फिर क्या होगा? हाँ ये तो सही है कि भाई अगर मान लो मेरे पास
अपन क्वेश्चन लिखें भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर। और अपनी तरफ से कोई कंसेप्ट नहीं बनाना, मैं ऐसे बना लूंगा, मैं ऐसे बना लूंगा, जो बताया बस वही कंसेप्ट है। क्वेश्चन गलत होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। सो डिक्रीजिंग, और अब वो अपन से पता क्या बोल रहा है, वो कह रहा कि सर मान लेते हैं मेरे पास ऐसे करना है और दूसरा मेरे पास ऐसे करना है, अब बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सर? इसमें स्टेरिकल ट्रिक्स है, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए एटम का साइज बड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एनी अदर। एटम का साइज बड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब एटम का साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा समझा क्या हूँ, ठीक है अपन मतलब। अब ना अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट और फिर आते हैं अपन अपने रिएक्शंस पे, मतलब एक बार पहले प्रिपेयर हो जाए अपन पूरा कि भाई। तो आप वर्ड बोलो, हमको सब पता है, आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी बोला मुझे पता है मुझे क्या करना, लाइक दैट। इसलिए मैं आपको पहले सारे टर्म्स से बता देता हूँ कि भाई सारे टर्म्स अपने ये क्या है। बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सीधी सीधी बात है, बेसिसिटी मतलब बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस मोर इज द बेसिसिटी, खत्म बात, H प्लस आई, बिल्कुल। बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू रिमूव प्रोटॉन, अब स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो टेंडेंसी ज्यादा होगी होगी प्रोटॉन को रिमूव करने की, है ना, ठीक है। तो और अगर किसी को कुछ और पूछना है तो पूछो, वरना मतलब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता फिर अपने पास और कुछ ऐसा है, मैंने आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कंसेप्ट दिए हैं जो आप मतलब पढ़ना चाहते हैं बस। तो अपन आगे देखते हैं फिर क्या करना है। एसिडिटी इज ऑल्सो टेंडेंसी टू रिमूव प्रोटॉन, बिल्कुल बिल्कुल। और बेसिसिटी, तो ठीक है, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी जो आपने पढ़ा होगा अच्छी बात है, बट यहां पर मेरे हिसाब से मैंने आपको टेंडेंसी टू रिमूव प्रोटॉन की बात की। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, एलिमिनेट द प्रोटॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट, उसके ऊपर ने बेसिस किया। ठीक है भाई, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन अब एक पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, मैं ऐसा देख देता हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, पता मैं क्या सोच रहा हूँ, बार बार ये सोच रहा हूँ बोला जाए या ना बोला जाए, है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनको बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि अभी तक अपने पास एक भी कंफ्यूजन नहीं है और यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन तुम सब गड़बड़ ना कर दो बस, इसलिए सोचता हूँ बोला जाए या ना बोला जाए, क्योंकि यहाँ तक जो भी अपन ने पढ़ा ना, जैसे मान लो तुमसे पूछा मैंने बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन, किसी को कोई डाउट नहीं, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन,
ठीक है ना, तुम तुरंत बता दोगे ये ज्यादा सही है सर। तो मैंने आपसे थोड़ी पूछा था कि मैं बेंजीन में पूछ रहा हूं या पानी में पूछ रहा हूं। मैंने ये थोड़ी पूछा था कि आपसे पानी में पूछ रहा हूँ या बच्चे में पूछ रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब तो अभी मैंने ना जो भी अपन ने पढ़ा ना ये न्यूक्लियोफिलिक बेसिसिटी, इसमें अपन को शायद ही कभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें मतलब वो सॉल्वेंट की बात करते हैं, लेकिन बुक्स में टेस्ट सीरीज में ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं, फिर अपन को लगता है सर ने हमें बताया। तो चलो देखते हैं, अब न्यूक्लियोफिलिक की बात करेंगे ना अपन, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक डिपेंड्स ऑन ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्मॉल साइज ऑफ डोनेटिंग एटम। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्मॉल साइज ऑफ डोनेटिंग एटम। मैं उसको फिर से लिख देता हूँ, इसको ना थोड़ा सा मैं फिर से लिख रहा हूँ, वर्ड थोड़ा सा वो क्लियर दिखे बस इसलिए लिख रहा हूँ। सो अपन ने लिखा कि भाई यहाँ यहाँ तो कुछ और भी गायब हो गया ये नंबर चार्ज था, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ना आंसर प्रोटेक्शन। तो मैंने आपसे लिखा कि स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। तो अगर अपन लिखेंगे एग्जांपल, जैसे अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में लिखूंगा इन प्रोटिक एप्रोटिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, एप्रोटिक है इधर है, प्रोटिक तो पहले अपन उसी में तो पढ़ रहे थे। अगर मान लो मैंने लिखा आई नेगेटिव बी आर नेगेटिव सी एल नेगेटिव एम डेफ, तो इसकी ज्यादा होगी इससे, इसकी ज्यादा होगी इससे, ठीक है। तब इसका छोटा साइज था तो फिर पहले ऐसे क्यों बता रहे थे सर आई नेगेटिव, क्योंकि देखना वाटर में क्या होगा, आई नेगेटिव और एफ नेगेटिव में अगर कंपेयर करेगा ना, तो ये पहले जो अपन ने न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ी है ना वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है, पानी में, तो इसका बड़ा साइज है और इस पर नेगेटिव चार्ज था, इसका छोटा साइज था और इस पर नेगेटिव चार्ज था, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन किस पे होगा, इस पे होगा, तो फिर इसकी अट्रैक्ट करने की वाटर की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इसका नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा छोटा साइज होने की वजह से। इस पर नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बहुत कम था तो इधर वाटर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा इसके सर्फेस पर, तो फिर इसकी ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसके सराउंडिंग में तो बहुत ज्यादा वाटर आ जाएगा ड्यू टू हाइड्रेशन, इसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इसके सराउंडिंग में ना वाटर बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगर इसके सराउंडिंग में वाटर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी एफ की, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो वाटर से सराउंड हो गया तो फिर दे कैसे पाएगा वो इलेक्ट्रॉन, फिर दे नहीं पाएगा। इसलिए अपन ने यहां पर जितना भी न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा ना उन सब में हाइड्रेशन को कंपेयर किया, तभी तो अपन बोल रहे थे बड़े साइज का हाइड्रेशन कम होता है छोटे साइज से, तो बड़े साइज पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी छोटे साइज से। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ तो एनायन का सॉल्वेशन होता ही नहीं, एप्रोटिक एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाता, नॉन पोलर सॉल्वेंट किसी को सॉल्वेट नहीं कर पाता, तो फिर अपन कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है इससे, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है इससे, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है इससे, एप्रोटिक सॉल्वेंट। राइट ठीक है। तो अगर मान लो अपने पास ऐसे क्यों करें CH3S और लिखेंगे अपन दैट इज
नेगेटिव चार्ज और एच ओ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों में से अच्छा इक्विलिब्रियम इसका। समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं। अगर मेरे पास ऐसे एग्जाम, अब बताओ तो कल कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो हमें पहले से पता है उनकी, आप तो पानी की वजह से वो सॉल्वेशन की वजह से ऐसे कर रहे थे, वरना तो मुझे इन सब की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पहले से पता है। आप नहीं भी बताते तब भी पता है मुझे भाई इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, अगर आप नहीं भी बताते तब भी पहले से हमको बताती। आप तो नया वर्ड लाके बस न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ा रहे थे और उधर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन, वाटर में रिएक्शन होगा, तो आप बता रहे थे कि बड़े वाले एनायन का सॉल्वेशन नहीं होगा इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है छोटे वाले आयन से, वरना पहले से मुझे पता था कि कौन इलेक्ट्रॉन इजिली दे सकता है इन सब में से, कौन नहीं दे सकता। कैसे पता है? हाँ जी भाई कैसे पता है? ये तो बड़ा इजी हो गया फिर हमारे लिए, फिर तो हमें इनके स्ट्रेंथ भी पता है कि अगर एक से ज्यादा कार्बन वाले डोनर बताओ आप, मैं बताता हूं कौन देगा इजीली इलेक्ट्रॉन। समझे? अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछेंगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बताएंगे, और अगर उन्होंने सॉल्वेंट की बात नहीं की, जो कि 99% केस में वो नहीं करेंगे सॉल्वेंट की बात, तो फिर अपन को सीधा बताना है जिसका बड़ा साइज उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ हाँ क्वेश्चन में मेंशन होगा ना, अगर मेंशन होगा क्वेश्चन में मेंशन होगा ना, अगर नहीं है मेंशन तो पहले वाले से सॉल्व करना है, अगर मेंशन है तो फिर से सॉल्व। समझ में आया? अब आप देखो ये दोनों भी मैंने उसी से लिखे, आप देख लो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट अब अपन लिखेंगे एसिड बेस रिएक्शंस। अब अपन बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है ना? अपन बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे अगर अपन लिखेंगे कि भाई एसिड बेस रिएक्शन में ब्रेक ले लें, हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है ना, मैं बार बार आगे पीछे ऐसे हो रहा हूँ, मुझे भी धीरे धीरे हैबिट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट टाइम से पढ़ाऊंगा ना इसका, ऐसे ऐसे तभी पढ़ाऊंगा जब मेरी मजबूरी है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, है ना, तभी पढ़ना चाहिए, वरना ऐसे में मुझे भी प्रॉब्लम है। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट्स, है ना, मुझे भी लग रहा है 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना। हाँ थोड़ा इसलिए मैं ऐसे ऐसे देखने लगता हूँ इधर उधर, है ना, ठीक है ब्रेक ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पर टी ब्रेक जैसे, मतलब 5 से 7 मिनट्स का, और टी ब्रेक उतना तो टी भी नहीं बन पाएगा, लेकिन 5 to 7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। चलो अपन सोडियम इज अ वेरी
हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल एंड वेरी रिएक्टिव, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा, मतलब नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो अब अपन एक बात ऑब्जर्व करें कि सर देखो यहाँ भी आप OH और NH बॉन्ड जैसे ही तो बता रहे हो कि भाई ये OH बॉन्ड है और ये NH बॉन्ड है, वही तो बता रहे हो आप, तो NH और OH बॉन्ड जैसे अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर OH और NH बॉन्ड है तो तब तो वो एसिड है ही है, राइट। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा अपन लिखेंगे कि अब एसिड बेस ऐसे ही सिमिलरली विल राइट दैट। अब अपन एक नोट करके ऐसा लिखते हैं, सिमिलरली टू चेक द एसिडिक नेचर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, we can use, अब इसमें जैसे सोडियम यूज करते हैं तो सोडियम तो है ही है, NaH भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रेट भी यूज कर सकते हैं, मतलब उसके साथ साथ अपन सोडियम हाइड्रेट भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके साथ साथ अपन सोडियम हाइड्रेट भी यूज कर सकते हैं, NaHCl3 यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब एन ए है, एन एच है, एन एच सी थ्री है, एन एच है, लाइक दैट वी कैन राइट दैट इवन ग्रिग्नान रिएजेंट दैट इज कॉल्ड RMGX, इसको भी अपन यूज करते हैं। अगर इनसे कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है तो अपन उनका एसिड बेस रिएक्शन बता सकते हैं। अब जैसे अपन कहेंगे कि भाई जैसे कुछ रिएक्शन में, अब सिंपल एसिड बेस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, सर वो HCl वगैरह यूज करते हैं, अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात। So what we say that, यहां पर अपन लिख सकते हैं, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज OH और NH बॉन्ड कैन बिहेव एज एसिड। अब इस बात को ध्यान देना कि मैंने कैन लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल है अपने पास, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गुण है तो इसको अगर मैं सोडियम से रिएक्ट करूंगा या सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट करूंगा या NaOH से रिएक्ट करूंगा, आई गेट द रिएक्शन लाइक दिस, HC(CN)NA प्लस H2 गैस विल बी लिबरेटेड। अगर NaOH होगा तो वाटर बनेगा, अपन इससे देखा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, जैसे मान लो अपने पास गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस अपन लिखेंगे NaNH और या फिर NaOH ऐसे ना, तो इनके साथ इसका नो रिएक्शन, इनके साथ इनका रिएक्शन नहीं। तो अपन कहेंगे सर मुझे ना एक बात मतलब समझ में नहीं आ रही कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किससे रिएक्ट करेगा, कौन किससे रिएक्ट नहीं करेगा। भाई ठीक है, यू आर टेलिंग मी दैट कि मतलब रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन एटम में पहचान जाऊंगा कि इसमें बॉन्ड में काफी ज्यादा पोलैरिटी है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, इसलिए इस बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी है इससे, इस बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी इससे, ये तो ठीक है कोई बात नहीं, और इस बॉन्ड में तो NaOH है तो पोलैरिटी है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इनका रिएक्शन होगा या नहीं होगा। भाई ठीक है, आप अगर ये बोल रहे हो कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम अगर वो हाइड्रोजन लिबरेट होता है तो वो एसिडिक है, अभी तो आप मुझे यही बता रहे हो, रिएक्शन की कोई बात नहीं कर रहे। भाई आप मुझे ये बता रहे हो कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम डालने से हाइड्रोजन लिबरेट होता है तो वो एसिडिक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है मान लिया। लेकिन आपने यहां ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि इनमें से सारे रिएक्ट करेंगे किसी के साथ भी, या कोई एक रिएक्ट करेगा या कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ आपने नहीं बताया, राइट। तो सोडियम तो सभी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है।
अपन क्या करेंगे, हाउ डू वी नो द रिएक्शन विल टेक प्लेस ऑर नॉट। हाँ ये तो है, इट इज दैट हाइड्रोजन को उड़ा के सोडियम उसके जगह पे बिठा देंगे कि हाइड्रोजन नहीं तो नो रिएक्शन। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं अपन की। वो कह रहा है कि सर देखो हाइड्रोजन अगर आया तो पोलर बॉन्ड में से हाइड्रोजन को उड़ा के उसकी जगह सोडियम डाल देंगे, और हाइड्रोजन नहीं आया तो अपन कहेंगे नो रिएक्शन। हाँ अब तक तो अपन यही बोल रहे हैं, राइट। इवन अगर मतलब देखो ऐसा है तो अपन रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो रिएक्शन कर दे रहे हैं। ऐसा है तो मैं इसको अगर रिएक्शन करूंगा, ये इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा और हाइड्रोजन लिक्विड करेगा, मतलब इन सब के साथ हाइड्रोजन लिक्विड। यहां से मैंने एक प्रोटॉन निकाला, तो अपन कहेंगे सर यहां से प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हो आप, ये तो मतलब अभी आपने इस वाले में तो प्रोटॉन नहीं निकाला, इससे ये भी डबल बॉन्ड से अटैच था लेकिन ये यहां से आपने निकाल दिया। हाँ क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। तो अपन क्या करेंगे, देखो अब इनके लिए तो अपन कहेंगे भाई देखो सोडियम का तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन लिबरेट हुआ तो ऐसे देखे, नहीं तो नहीं। सोडियम हाइड्राइड एंड सोडियम दोनों का रिएक्टिविटी एक जैसा ही होगा, ये NaOH है, अपन को पता है कि भाई NaOH और इनका भी रिएक्टिविटी एक जैसा ही होगा। इसके लिए अपन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा RMGX के लिए। तो मैं ये तो मतलब इनके तो कोई लिमिटेशन नहीं है रिएक्शन के, लेकिन मैं रिएक्शन थोड़ा सा लिमिटेशन बनाते हैं अपन। पहले अपन एक बार RMGX की बात कर लेते हैं, फिर इनके लिमिटेशन बनाते हैं, क्योंकि RMGX का बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। तो RMGX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्ट, RMGX इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्ट, ग्रिग्नार्ड और RMGX में अपन कहेंगे RMGRX, ऐसे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इसका नाम होता है, मैग्नीशियम हैलाइड, राइट। सो RMGX में R पे नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सो इट प्रोवाइड्स R नेगेटिव। All molecules which has OH bond, NH bond, NH bond. अब आप sentence पर ध्यान देना थोड़ा बस, which has OH bond, NH bond, OH, NH bond, and all acids, when reacts with, all acids में मतलब अपन कहेंगे सर ये all acid लिखने का समझ में नहीं आया मुझे, all acids pH less than 7, when reacts with RMGX always forms alkane। मतलब अपन क्या कहेंगे, मेरे पास अगर ऐसे गिवन है और इसको अगर मैं RMGX से रिएक्ट करूंगा ना तो ये RH बनाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, RH बनाएगा, ये पॉजिटिव जैसा होगा, ये इससे प्रोटॉन निकाल देगा, तो ये RH बनाएगा और MgX एंड OH बनाएगा, RH बनाएगा MgX एंड OH बनाएगा। किसका N कहां गया, किसका N कहां गया,
एन किसका कहाँ गया, पूछना ना कोई, एन कहाँ गया उसका, किसका एन कहाँ गया, एन ए का एन कहाँ गया, एन ए का एन कहाँ गया, एन ए का एन कहाँ गया, इसमें कुछ सॉल्ट होगा ना, जहां नेगेटिव चार्ज दिखा होगा वहां सोडियम तो होगी है ना। तो पेन अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे चलेगा ना, कोई बात नहीं। अच्छा देख, अब अपन कोई भी एसिड ले सकते हैं, मान लो अपन ने ऐसे लिया फिर आरएमजीएक्स से रिएक्ट करवाया, तो अपन कहेंगे तब भी रिएक्शन ऐसे होगा, अगर मैंने ऐसे देख करवाया तब भी मैं ऐसे देख करूंगा, एक्स एंड ओपीएच मतलब एनी कंपाउंड, इट डजंट मैटर आप कौन सा कंपाउंड बना रहे हो, अगर वो एनएच और ओएच बॉन्ड है, अगर मैं एचसीएल से रिएक्ट करवाऊं तो भी अपन कहेंगे एचसीएल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, आप ऑल एसिड तो लिखे ही है ना जिनका पीएच लेस देन 7 है, मतलब वाटर से ज्यादा एसिडिक जो होंगे वो तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे चाहे कोई भी, हाँ वो धीरे धीरे आ रहा हो ना, तो मतलब तुम लोग टेंशन ना लो, टेंशन तो मुझे ज्यादा है, ये आरएमजीएक्स अपने आप में एक चैप्टर है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना मेरा पूरा क्लास चला जाएगा, इसलिए मैं चुप हूँ, उसको रिएक्शन में अभी इसके बाद अपन लिख सकते हैं आरएमजीएक्स के बारे में, आरएमजीएक्स के बारे में अपन एक्सप्लेन कर लेंगे, ये थोड़ा पूरा चैप्टर टाइप होता है आरएमजीएक्स है ना, इसका प्रिपरेशन इसकी मैकेनिज्म वो थोड़ा सा ना वो पूरा एक चैप्टर है अपने आप में, इसलिए मैंने कहा कि आरएमजीएक्स के थोड़े रिएक्शन लिख देते हैं फिर अपन आते हैं उस पर, मतलब चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो किसी भी एसिड से रिएक्ट करोगे तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि R इसका और MgX इसका, तो R कैन बी वेयर, R कैन बी मतलब R को अपन क्या क्या लिख सकते हैं, अब H के अलावा कुछ भी लिख लो आपकी मर्जी, PH लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड CH लिख लो, मतलब इसको हटा दो, किसी एक को हटा देते हैं R की जगह उसमें नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में लिख लेते हैं, आप जो मर्जी चाहे लिख लो, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, आर की जगह जो मर्जी चाहे आप लिख लो, जैसे आपको लिखना है, मतलब हाइड्रोजन के अलावा आप आर को कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख दिया तो ऐसे नहीं, तो आर नेगेटिव चार्ज इधर लिख लूंगा मैं इस टाइप से, मतलब कुछ भी लिख सकते हो एक्सेप्ट आर कैन नॉट बी एच, बस यहां पर ये एच नहीं हो सकता, बाकी अब जो मर्जी चाहे एल्काइल ग्रुप लिखो, जो मर्जी चाहे और नहीं कंपाउंड लिखो, वो सब लिख सकते हैं। अब देखो एसिड बेस तो अपन को पता ही है, अपन एक पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको अपन कहते हैं फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अपन एक पार्ट पढ़ते हैं फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब फीजिबिलिटी का मतलब होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाए, दैट इज कॉल्ड फीजिबिलिटी, और अपने आप का मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट इज फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर अपने आप करना है ना तो अपन को एक बात पता है, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो वो रिएक्शन अपने आप हो ही जाएगा, अगर आपके प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन फीजिबल होगा, रिएक्शन फीजिबल होगा। वो कैसे, एक अपन कुछ रिएक्शन लिखते हैं ठीक है,
मैं आपको कुछ रिएक्शन लिख के बताता हूँ, उसके बाद में पहले फिजिबिलिटी आपको बताऊंगा कि फिजिबिलिटी अपन को लिखना कैसे होता है। तो प्रोडक्ट मतलब एनर्जी किसी की भी कम तभी होगी जब वो वीक बनेगा और ये स्ट्रॉन्ग रहा होगा। स्ट्रॉन्ग की एनर्जी ज्यादा होती है और वीक की एनर्जी कम होती है, ये अपन को पता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वीक होगा तो कम रिएक्टिव होगा। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं और फिर उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। सपोज मेरे पास एसिडिक एसिड है, मैं इसको एमिनो से रिएक्ट करवाता हूं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH3CO2 प्लस H2O। मेरे पास CH3CO2 है, मैंने इसको NaCO3 से रिएक्ट करवाया, इसने भी CH3CO2 बनाया और H2CO3 बना। मेरे पास एसिडिक एसिड है, मैंने इसको CH3MgBr से रिएक्ट करवाया और ये CH3COO राइट ना, अपन कहेंगे इसका नेगेटिव पार्ट और इसका हाफ प्रोटॉन, तो अपन ऐसे बना देंगे या इस रिएक्शन को नहीं लिख रहे, इसको हटा देते हैं, रुक जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, वो अपन को पता है OH तो रिएक्शन हो गई था, कुछ अच्छा बताओ सर। तो अपन कहेंगे ठीक है मेरे पास PHOH है, मैं इसको NaOH से रिएक्ट करवा, कहेंगे कोई बात नहीं PHO Na बनेगा और H2O बनेगा। मेरे पास PHOH है और मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं NaCO3 के साथ, तो मेरे पास PHO Na बनाऊंगा और H2O बनेगा। अब मैं ऐसे लिख लेता हूं, मेरे पास CH3CH2OH है और मैं इसको NaOH से रिएक्ट करता हूं, तो मैं कहूंगा ये CH3CH2ONa बनाएगा प्लस H2O बनाएगा और मेरे पास CH3CH2OH है, इसको NaOH, मुझे यहाँ पर H2CO3 बनाना था, NaHCO3 से रिएक्ट करूंगा तो ये बनाएगा क्या CH3CH2ONa और H2CO3 बनाएगा। अब अपन फीजिबिलिटी चेक करते हैं, हमें ये पता है कि जब भी रिएक्शन फॉर फिजिबिलिटी अपन ने कहा ये होना चाहिए, फॉर फिजिबिलिटी वीकर प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म, प्रोडक्ट मस्ट बी फॉर्म। हाँ तो एनर्जी से आपने पहले बताया ना, मस्ट बी फॉर्म, बी फॉर्म ये आपने कहा। अपन क्या करेंगे, मैं इसमें और इसमें, क्योंकि ये न्यूट्रल वाले हैं, न्यूट्रल वाले अपन बड़ी जल्दी से इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इन दोनों में चेक करूंगा तो वीकर एसिड कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे ये वाला, हाँ तो रिएक्शन फिजिबल है। मतलब ये रिएक्शन हो जाए, This is the weaker base than this. लेकिन सॉल्ट में क्या होगा अपन को बताना पड़ेगा, इसमें अपन को बताने की जरूरत नहीं है, ये अपन को आराम से पता चल जाएगा कि वो फिजिबल है राइट right? वो अपन आराम से बता सकते हैं कि वो फिजिबल है या नहीं है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो अपन कहेंगे H2CO3 और एसिडिक एसिड ये वीकर है, ये भी वीक, तो मेरा रिएक्शन ये वाला भी फिजिबल है। अगर अपन PHOH और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपन फिनॉल और वाटर को कंपेयर करते हैं, वाटर इज अ वीक एसिड देन फिनॉल देन रिएक्शन। अब यहां पर अपन ने क्या किया, अपन ने फिनॉल और H2CO3 को कंपेयर किया, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन रिएक्शन इज नॉट फेस। इसका पीके 10 होता है, उसका पीके 7 होता है,
अगर हम अल्कोहल और वाटर की बात करें, and this is the strong reaction. Reaction is not possible. अगर अपन इसकी और इसकी बात करें, तो this is the strong reaction. Then alcohol. The reaction is not possible. A reaction की feasibility तभी possible है जब weaker बने stronger के comparison. इसका मतलब है अगर मुझे एसिड और फिनॉल में डिफरेंशिएट करना है तो मैं इससे कर लूंगा, एसिड और फिनॉल में इससे डिफरेंशिएट कर लूंगा, क्योंकि NaHCO3 फिनॉल से रिएक्ट नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड से करता है. NaHCO3 can be used to distinguish between carboxylic acids and phenols. Because NaHCO3 carboxylic acid se react karke H2CO3 banayega. Ab H2CO3 ka matlab main aise bhi bol sakta. ये भी बोल सकता हूं, तो कई बार ऐसे भी हो सकते सर हमें कैसे पता चलेगा, ये भी ट्रांसपेरेंट था, इसको डालने के बाद भी सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन का. तो अपन कहेंगे CO2 लिबरेट होगा ना, इसमें नहीं होगा CO2 लिबरेट, और CO2 लिबरेट होगा तो लाइम वाटर में पास कर देंगे, मिल्की टर्न हो जाएगा लाइम वाटर, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. और अपन कहेंगे अगर मुझे भाई NaOH से तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता मैं इन दोनों में, बट मैं NaOH कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल. NaOH फिनॉल से तो रिएक्ट करता है, अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता. इन बातों को इन बातों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मीनिंग होता है, और फीजिबिलिटी से तो मेंस में एक रिएक्शन हो गई होगा और बड़ा इजी है, मेंस के एडवांस में भी होता है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. अब मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं, तो देखो ना अपन तो डिस्टिंग्विशन टेस्ट भी उससे पढ़ ले रहे हैं कि कैसे डिस्टिंग्विश करें. अब इसमें अपन कुछ और रिएक्शन लिख सकते हैं, और फिर आप जैसे मान लो अपन थोड़ा सा और ऐसे कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, और फिर देखते हैं उन रिएक्शंस में, मतलब जैसे अपन को दिया गया ऐसे भाई मेरे पास गिवन है NH3 को मैंने रिएक्ट करवाया सपोज CH3NH से, तो अपन कहेंगे ठीक है सर ये नेगेटिव चार्ज है इससे प्रोटॉन लेगा तो ये बना देगा CH4 और LiNH2 बना देगा. इन दोनों में कंपेयर किया, दिस अ वीकर एसिड, ठीक है रिएक्शन. तो अपन ऐसे बता सकते हैं रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं. तो पहले अपन ने रिएक्शन का फिजिबिलिटी किया हुआ है ना, पहले रिएक्शन का फिजिबिलिटी मैंने पहले आपको बताया हुआ है, बिल्कुल the reaction are feasible or not, right? तो अपन ने पहले लिखा हुआ है what is feasibility of reaction वगैरह, वो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, yes. तो अपन को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी the feasibility of reaction. तो RMGX के लिए अपन ने पढ़ रखा एक स्ट्रॉन्ग हुआ और एक वीक हुआ, तो मतलब नहीं समझा मैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग हुआ और एक वीक हुआ मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ और वीक हुआ भाई, अगर
दूसरा वीक होना ही चाहिए ना, प्रोडक्ट की तरफ वीक होकर तभी तो बताएंगे अपन फिजिबल है या नहीं है। तो वो तो अपन उसी से ही बता रहे कि फिजिबल है रिएक्शन के लिए, फिजिबिलिटी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। अब अपन रिएक्शन शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया, अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वगैरह। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब अपन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। सो रिएक्शन मैकेनिज्म में अब अपन शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन शुरू करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म अपन को सबसे पहले पढ़ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कीटोन्स, उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी अच्छी पड़ेंगे। अगर अपन ने फिजिबिलिटी पढ़ा हुआ है तो काफी कुछ लिखा हुआ है। अब ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन्स, तो पहले अपन एल्डिहाइड कीटोन्स को देख लेते हैं भाई कैसे होते हैं। तो अपन को पता है द एल्डिहाइड्स आर लाइक दिस, है ना, द एल्डिहाइड्स आर लाइक दिस। डबल बॉन्ड ओ होगा और इधर एक R होगा और इधर एक H होगा। R में pH भी हो सकता है, H भी हो सकता है, तब भी वो एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड में अपन देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। कीटोन्स में दिस इज कॉल्ड एसीटोन और बाकी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट दिस कैन बी कॉल्ड एज मिथेनॉल, एक कार्बन एटम। दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। एसीटोन भी नोन है प्रोपेनॉन होगा, और अगर ऐसे होगा पीएच होगा और एल्डिहाइड है तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइट। ये अपन का पता है, आईपैक नेम बेंजीन कार्बोनाल्डिहाइड। तो लाइक दैट थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए ये एल्डिहाइड्स है ये कीटोन्स है। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या फेनाइल ग्रुप होगा तो कीटोन, अगर ऐसे है पीएच सी डबल बॉन्ड हो तो दिस इज फिनाइल एसेटो, फिनाइल कीटोन्स बोलते हैं अपन उसे, फिनाइल कीटोन्स। और अगर अपने पास ऐसे तो ना तो इसको बोलते हैं बेंजोफेनॉन। तो इस टाइप से नाम कभी कभी ये वाले यूज होते हैं ना, और अब मिथेनल इथेनल होगा तो अपन को पता है कि भाई दो कार्बन एटम की बात कर रहे हो या एक कार्बन एटम की बात कर रहे हो। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड और ऐसे यूज होता है तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात करने हो सकते। तो वो चीज अपन को नहीं होनी है। अभी व्हाट हैपेंस ना, दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑब्वियस सी बात है, एक जगह डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक जगह डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। एक जगह डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक जगह डेल्टा नेगेटिव। अगर अपन इनका मतलब ज्योमेट्री देखेंगे तो अपन को पता है कि भाई R है C है, एक और हाइड्रोजन ले लो या R, एक ही बात है। एक ऑक्सीजन अटैच्ड होगा ऐसे, और ऑक्सीजन के अलावा अगर अपन चेक करेंगे देयर विल बी अ पाई बॉन्ड। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे बना सकते हैं।
this will be the pi bond and this will be the lone pair on this. Perpendicular to the margin. Ye lone pair. Or ye pi bond. So the pi bond is perpendicular to molecular plane. The pi bond is perpendicular to molecular plane. वैसे तो अपन को पहले से पता perpendicular to molecular plane. ये अपन को पता है. So it has डेल्टा पॉजिटिव एज वेल एज डेल्टा नेगेटिव चार्ज. इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी होता है और डेल्टा नेगेटिव चार्ज भी. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर साइट इट शोज टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिल आपको पता है क्या होता है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एडिशन तो एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखेंगे तो लेट अस चेक हाउ इट इज. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक होता है बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो देखेंगे क्या होता है एसिड बेस कैटलाइज्ड. अभी एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में विल से दैट अगर मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन गिवन है और मुझे एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब होता है कि पहले आप इसे एसिड से रिएक्ट करो और ये भी पक्का होता है कि अगर आप एसिड कैटलाइज अगर एसिड कोई भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है और वर्ड्स में लिखा हुआ है कि वो एसिडिक मीडियम में है तो वो एसिड हमेशा कौन सा होता है अपन को पता है. इट इज ऑलवेज H2SO. तो यहां पर एसिड कैटलाइज होगा तो एसिड तो लिप्रोफाइल होता है दैट इज अटैकिंग एजेंट. ये अटैकिंग एजेंट तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये इधर अटैक करेगा पहले तो ये अब लेकिन ये कैटलिस्ट है. कैटलिस्ट का मतलब है कैटलिस्ट वो होता है जो वापस रिकवर होगा लास्ट में. ये अपन को पता है भाई कैटलिस्ट हमेशा लास्ट में क्या होगा रिकवर होगा. तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव था यहां डेल्टा नेगेटिव था इसलिए तो H+ है यहां अटैक किया पॉजिटिव चार्ज. इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डैश बिकॉज उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. अभी व्हाट हैपन अपन यहां न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे. जब आप न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो ऑक्सीजन कभी भी तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता. अपन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. अब इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है तो इधर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक. अब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो अपन कहेंगे देखो सर जो ये कंपाउंड होता है ना एल्डिहाइड कीटोन इसके इधर वाले पार्ट पे तो ऑलरेडी ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है तो ये जब भी अटैक करेंगे ना तो ये ऐसे अटैक करेंगे. ये इसको कहते हैं अपन बैक साइड अटैक. मतलब ये वहां से अटैक करेंगे जहां पर मतलब ये आर और एच होंगे उस तरफ जाके अटैक करेंगे. अगर वहां से अटैक करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जैसे जैसे ये एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहे अपन है एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा कि जैसे जैसे ट्रांजिशन स्टेट को अपन आइसोलेट नहीं कर सकते कभी लेकिन वैसा होता है ये बोल सकते हैं. तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड बना रहा होगा ये तो सिग्मा बॉन्ड थे इजीली ब्रेक नहीं होंगे. तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड बना रहा होगा वैसे वैसे ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक हो रहा होगा. मतलब जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा वैसे वैसे ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा होगा पाई बॉन्ड. क्योंकि इन सभी बॉन्ड में जो कार्बन के अराउंड बॉन्ड है ना वीकेस्ट बॉन्ड जो होगा वही ब्रेक होगा इसीलिए. तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा
और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के फॉर्म में इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो रहा होगा। तो इधर शिफ्ट होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज अपन कहेंगे भाई ये इधर शिफ्ट हो रहा है और ये बॉन्ड बना रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे अपन के? और ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया मैंने। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जिसको अपन कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, बस अपन उसको ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए बता सकते हैं कि ऐसा होता होगा क्योंकि प्रोडक्ट वो प्रॉपर्टी दिखा रहा था। तो अपन कहेंगे इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो ऐसे बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैच हो गया और एक R होगा, एक H होगा और एक OH, ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अपन को पता है कि भाई हमें ये पता, अब ये न्यूक्लियोफाइल जो था वो अटैक कर रहा था इस पे, तो अपन क्या करेंगे अटैकिंग रीजन पे उसको नहीं लिखेंगे, अटैक कर रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, वो मुझे उसको नहीं लिखना चाहिए, वो कैटलिस्ट होगा अपने पास। हमने इसको कैटलिस्ट किया और बाद में अपन कहेंगे जो एच नेगेटिव आयन होगा ना, तो इसका जो एक पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट होगा ना इसका, जैसे अपन मान लो HCN को ऐड कर रहे हैं, तो अपन को पता है ना कि CN तो ऐड उधर हो जाएगा, H कहाँ जाएगा? हाँ, तो वो प्रोटॉन वापस दिया जाएगा ना इसका जो कैटलिस्ट आया था, तो उस टाइप से रहा होगा। अपन ने एनायन लिख के सिर्फ दिखाया है उसको कि भाई मैकेनिज्म लिखने के लिए अपन कम से कम चीजों को लिखे, राइट ना, लेकिन H प्लस आयन अटैक करेगा तो इजिली ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन अटैक करेगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इजीली रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा अपनी तरफ जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अपन को रिएक्शन हो जाएगा। अब अपन से कहा जाएगा कि अब एक बात बताओ कि इसमें ना जो रिएक्शन हुआ है, जो रिएक्शन अपन ने किया है, इस रिएक्शन में क्या अपन कहेंगे कि मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? ये प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? ये वाला प्रोडक्ट जो बना अपने पास। तो जनरली अपन क्या करते हैं कि कभी भी ना, मतलब प्रोडक्ट अपन देखेंगे तो एक बात अपन ध्यान रखेंगे कि अपन कहेंगे हमेशा कि इन रिएक्शंस ना, ये एक तरीके से एक नोटबुक लिख रहे हैं अपन जो अलग है, जो सीक्वेंस बनाएंगे जिसको अपन भी बॉक्स में लिख लेंगे इन रिएक्शंस ना। सो इन रिएक्शंस व्हाट विल हैपन कि एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से अगर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज रीजन बाद में सोचूंगा। अगर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव को दूसरे ऑप्टिकली इनएक्टिव से रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और रीजन बाद में सोचूंगा, इट विल बी लाइक दिस। तो अगर मुझे बाकी फिर कहेंगे सर अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव को रिएक्ट करवाया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड ऑन द रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, ऑन रिएक्शन। अब डिपेंड ऑन रिएक्शन मतलब आप बताओगे, मतलब अब ऐसे नहीं कि भाई नहीं अभी बताओ सारी चीजें, नहीं अपन ऐसे तो नहीं कर सकते। तो अपन वापस आए यहां तो अपन ने यहाँ पर सीधी सी बात है, अपन को न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना था, तो अगर अपन को न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना था तो अपन ने पहले एसिड कैटलाइज्ड, अब एसिड और कहीं अटैक तो कर नहीं सकता ये तो ऐसे था, तो H प्लस आयन को अटैक करवाया, अटैक करने से क्या होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल को इजिली अटैक कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बेटर प्रोडक्ट है। अपन को सीधा सीधा एडिशन करना है, ठीक है। सो एवरीबॉडी, अब अपन क्या करेंगे इसमें, ये जो कंपाउंड है ना ये तो मतलब एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है, अपन को पता है ये भी एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है,
ये भी sp2 hybridized है और ये भी sp2 hybridized है, मतलब they are planar and we know that the pi bond is perpendicular to the molecular plane. अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो पक्का हो गया कि प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि मुझसे अगर कोई प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछेगा ना, तो मैं हमेशा रिएक्टेंट को चेक करूंगा, प्रोडक्ट को कभी चेक नहीं करूंगा. पहले अगर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट है ना, प्रोडक्ट कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव. तो अपन कहेंगे सर इसमें कायरल सेंटर तो दिख रहा है, लेकिन मुझे ये तो देखो चार डिफरेंट ग्रुप हो गए. आप एल्काइल ग्रुप में कुछ भी लिखोगे ना, सी मतलब CH3 C2H5 कुछ भी लिखो, चार तो होंगे ना डिफरेंट, हाँ होंगे. तो फिर ऑप्टिकल इलेक्ट्रोडी क्यों नहीं बता रहे आप, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है. हाँ तो ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो बताओ तो, क्योंकि मुझे तो कायरल सेंटर दिख रहा है इसलिए मैं तो कहूंगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है. तो अपन कहेंगे देखो, अब अपन एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे, क्योंकि देयर आर मेनी एक्सप्लेनेशन जिससे अपन ये कैलकुलेट करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी अपन कैसे पता है. तो मैं यहां पर सीधा लिख दूंगा ऐसे, तो आप चुप हो जाओ, ठीक है सर कोई बात नहीं. अब कायरल सेंटर है, आपने अगर रेसमिक मिक्सचर लिखा है इसका मतलब है 50-50% बना होगा, इसमें इसका 50% प्लस आइसोमर होगा और 50% एल आइसोमर होगा, आप यही तो बताओगे. अब ठीक है मान लिया हमने, अब एक्सप्लेन कर दो कि वो कैसे बना 50% डी आइसोमर और 50% एल आइसोमर, क्योंकि ये तो पक्का था कि आपने मुझे क्लियरली बता दिया कि अगर दोनों रिएक्टेंट ऑप्टिकली नेगेटिव है, प्रोडक्ट कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रखो. ठीक है, तो हमें ये तो पता था कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बता सकता मैं इसमें, लेकिन रीजन बताना था मुझे कि मैं क्यों बताऊं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो अगर कायरल सेंटर है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसका एक ही रीजन होता है कि उसमें रेसमिक मिक्सचर है. तो अब रेसमिक मिक्सचर बताओ कैसे, अपन देखो क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि देखो भाई इसमें ना जैसे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, तो ये वाले ग्रुप और ये वाला ग्रुप है ना, हाइड्रोजन का तो वैसे स्टेरिक एंट्रेंस नहीं होता है, लेकिन इनका स्टेरिक एंट्रेंस क्या होगा इधर इस कार्बन पे, क्योंकि यहां तो पूरा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ऑक्सीजन की, तो यहां से तो ये कवर होता है पूरा, तो न्यूक्लियोफाइल कभी यहां से नहीं आता इस पर अटैक करने के लिए कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल कभी यहां से नहीं आएगा अटैक करने के लिए कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड आएगा. अच्छा अब बैक साइड में क्या होगा कि जिस प्लेन में इसका जिस एक्सिस पे इसका सिग्मा बॉन्ड लाई करेगा ना, ये वहां से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहां तो इन दोनों का इसका अच्छा खासा स्टेरिक एंट्रेंस होगा. तो ये क्या होगा, सिंस ये मॉलिक्यूल ये तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करते हैं ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल एक तो ये अटैक करेगा टॉप साइड से और एक बार ये अटैक करेगा बॉटम साइड से, मतलब ये दोनों इन तीनों का जो प्लेन होगा ना, तीनों सिग्मा बॉन्ड का, तीनों सिग्मा बॉन्ड का उस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर से अटैक करेगा, इधर आएगा ऐसे जैसे फ्लाइट की लैंडिंग होती ना, वो सीधे थोड़ी होती है, ऊपर से आता है ऐसे फिर ऐसे लैंडिंग करता है. मतलब अगर आप ग्रुप देख लिए जानते हैं, देख बॉन्ड ऐसे ऐसे बॉन्ड है अपने पास, ऐसे था, ऐसे पाई बॉन्ड था अपने पास, ये पाई बॉन्ड है अपने पास, ऐसे मान लिया अपन है. ये ब्लू वाला जो है वो मतलब अपने लिए हाइड्रोजन हो गया, और ये रेड वाला जो है वो अल्काइल ग्रुप हो गया, ये इधर ऑक्सीजन हो गया, ये पाई बॉन्ड है ऐसे, ये पाई डेंसिटी हो गया. तो अपने पास जो पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा ना यहाँ पर, अब पाई बॉन्ड तो बना होगा ऐसे भाई, ऊपर भी निकला होगा नीचे भी निकला होगा, और ये ऑक्सीजन है इधर और ये हाइड्रोजन है और इधर से अल्काइल ग्रुप है. तो अपन क्या करेंगे ना, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा, तो जितना प्रोबेबिलिटी उसका यहां से अटैक करने का होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी उसका यहां से भी होगा. जब वो यहां से अटैक करेगा तो भी पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और जब वो यहां से अटैक करेगा क्योंकि बॉटम साइड से, इधर से अटैक नहीं कर पाएगा इधर से, क्योंकि इनका स्टेरिक एंट्रेंस होगा, ये बड़े ग्रुप का, ये बड़े ग्रुप का स्टेरिक एंट्रेंस होगा, तो वहां से अटैक नहीं कर पाएगा. पेन नहीं दिख रहा है,
इतना बढ़िया तो दिख रहा है। अच्छा पेन क्यों नहीं दिखेंगे यार, पेन तो दिखेंगे। अच्छा हाँ मेरी सप्ली दिख रही होगी, सही बात है, पूरा पढ़ा रहा था आपने लेकिन पेन नहीं दिखा। अच्छा देख मैं ऐसे कर रहा था, ऐसे ना देख ये पाई बॉन्ड है, ये ब्लू वाला जो है ना ये हाइड्रोजन है, और ये इधर पीछे वाला मैंने ना रेड वाला एल्काइल ग्रुप ले रखा है, और ये वाला अपने लिए अपन अब देखो भाई म्यूट रहो। आलोक आलोक ऐसी पावर नहीं है तुम्हारी। अच्छा देखो चलो ठीक है यार। अच्छा देखो ऐसे ना, अरे यार फिर वो करना पड़ेगा ना मुझे, रुक जाओ। अब देखो ऐसे कर रहे थे अपन, है अरे यार इसलिए ना बोर्ड ही सही रहता है, मतलब बोर्ड पे पढ़ाने में मजा आता है इसलिए, और क्लास में और मजा आता है। अच्छा देखो अपने पास में ऐसे था, अब ऐसे पाइप बॉन्ड अज्यूम कर लो, यह है पाइप बॉन्ड और नीचे भी है, इतना अच्छा बनाया था मैंने। अरे यार हो गया, अब देख ये पाइप बॉन्ड इधर ऐसे है। अब देखो मुझे पता चल जाता है कि कौन अनम्यूट है और किसके यहां से आवाज आ रही है, और फिर अपन बिल्कुल उसको बाहर डाल, बाहर ही कर देता हूं मैं बिल्कुल, बगैर नाम लिए मैं बाहर कर दूंगा बिल्कुल। गलत बात है ना, बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं ना, उनका टाइम वेस्ट होगा ना। अच्छा देखो अब अपन कहेंगे ये हाइड्रोजन है ये अल्काइल ग्रुप है, तो इधर तो भाई अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन का नो डाउट नहीं होता है वंडरवॉल रिपल्शन, लेकिन अल्काइल ग्रुप का तो बहुत ज्यादा होगा, तो इधर से न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं कर सकता इस कार्बन पे, तो फिर वो ऐसे अटैक करेगा इधर से, और पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा, ऐसे अटैक करेगा। तो अपन कहेंगे जितनी प्रोबेबिलिटी यहां से अटैक करने की होगी सर उसकी, उतनी ही प्रोबेबिलिटी यहां से भी अटैक करने की होगी सर बॉटम साइड से, तो वो यहां से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी और यहां से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी वो 50-50% है। तो अगर 50% यहां से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, और 50% यहां से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ दिख रहा होगा, मतलब मुझे दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ। तो एक बार यहां से अटैक किया और तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे जब बॉटम से अटैक करेगा तो, और एक बार जब यहां से अटैक कर रहा होगा तो ये दोनों नीचे की तरफ हो जाएंगे, तो टटल बन जाएगा और पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां से तो अटैक नहीं कर सकता, रीजन क्योंकि ये बल्क ग्रुप है, तो यहां तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, फिर उस केस में ये टॉप साइड अटैक ऐसे बताया मैंने और ये बॉटम साइड बताया, तो 50% प्लस आइसोमर 50% माइनस आइसोमर, एक बार ऊपर ऐसे कर लेते हैं और एक बार बॉटम साइड से कर लेते हैं। तो रेस में मिक्सचर मुझे पता है, एक ऐसे बना दोगे आप और दूसरा इसका मिरर इमेज बना दोगे, और क्या एक आर आप ऐसे बना दोगे इसका मिरर इमेज, और क्या आप कहोगे लो भाई हो गया 50% ये और 50% ये बन पाएंगे। तो ये ना रेसमिक मिक्सचर बनता है, और वो भी रेसमिक मिक्सचर पर बगैर अपन तब बताएंगे ना जब वहां कायरल सेंटर हो, अगर कायरल सेंटर है ही नहीं, दोनों एल्काइल ग्रुप है या दोनों हाइड्रोजन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात ही नहीं करनी। ठीक है एक तो ये हो गया एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, अब अपन देखते हैं कि ठीक है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में अपन ने देख लिया क्या है, अब अपन देखते हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन और फिर कंपेयर करते हैं दोनों को कि कौन सा अच्छा है, एसिड कैटलाइज्ड अच्छा होगा या बेस कैटलाइज्ड अच्छा होगा। तो अपन बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन देखते हैं, बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल एडिशन। अब बेस कैटलाइज का मतलब जो होता है जैसे यहां पर लिखा ना अपने बेस कैटलाइज, तो बेस कैटलाइज का मतलब ये नहीं कि अपन यहां पर बेस यूज कर रहे हैं, इट मींस
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैं यहां पर ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करूंगा रिएक्शन में, इन द रिएक्शन, राइट। सो इस केस में क्या होगा वो देखते हैं अपन कि भाई रिएक्शन कैसे होगा। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे केबल है, अब यहां पर क्या होगा, मैं कोई एसिड ऐड नहीं करने वाला, सीधा न्यूक्लियोफाइल ऐड किया और इसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ेगा किस पे, कार्बन पे, तो करो अटैक। तो अपन कहेंगे यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो अपन कहेंगे ठीक है साइमल्टेनियसली जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा वैसे वैसे ये इस पे शिफ्ट हो रहा होगा ये वाला बॉन्ड, तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें भी ऐसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा वैसे वैसे ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, बिल्कुल। तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज जो है क्योंकि ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जब ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है। जब भी पार्शियल बॉन्ड बने होंगे वो ट्रांजिशन स्टेट ही होता है, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड वाला अपन कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल बॉन्ड हो उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इधर R है और इधर O नेगेटिव है और इधर H है, विल गेट दिस। अब ये बनेगा तो अपन कहेंगे बाद में अपन या तो आप इसमें एसिड ऐड करो या वाटर ऐड करो, तो ये आर ओ नेगेटिव वाटर से प्रोटॉन लेके हमको जो न्यूक्लियोफाइल आपने इसके साथ जो कैटाइन होगा उसके साथ OH बना लेगा रिएक्शन, तो अपन कहेंगे ठीक है फिर इसमें मतलब सीधी सीधी बात है आप प्रोटॉन देने वाले हैं, बस आपने इतना ही किया कि उसको प्रोटॉन दे के स्टेबिलाइज कर लेते हैं, ये बन गया। इसमें भी कायरल सेंटर था लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रीजन क्योंकि ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो अगर दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जो रेसनिक मिक्सचर है, इट इज अ रेसनिक मिक्सचर व्हिच इज। अब न्यूक्लियोफिलिक फाइल मतलब बेस कैटलाइज्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने NaOH ऐड किया, बेस कैटलाइज्ड का मतलब है कि आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया, बेस कैटलाइज्ड का मतलब है कि आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, राइट। तो ठीक है अपन क्या करेंगे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे, मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी है, न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, ठीक से लिख देता हूँ ना वरना अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर गड़बड़ होगा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो यहाँ आके अटैक करे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अब अपन बात करेंगे पॉइंट्स की, प्रोडक्ट तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है वो अपन ने देख लिया बिकॉज टॉप साइड और बॉटम साइड अटैक हो गए, इसलिए वो ये खुद भी जो फॉर्म होता है वो खुद भी एक रेसनिक मिक्सचर है बिकॉज इसमें भी तो टॉप साइड और बॉटम साइड दोनों ही होंगे ना वहां पर, तो वो खुद भी एक रेसनिक मिक्सचर है। अब अगर अपन दोनों को कंपेयर करें विच इज बेटर एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड, विच इज बेटर एसिड और बेस कैटलाइज्ड, तो अपन कहेंगे एसिड कैटलाइज्ड इज बेटर, वो क्यों, बिकॉज एसिड कैटलाइज्ड में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा, एसिड कैटलाइज्ड में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा यहां पर प्रोटॉन की वजह से, उसकी वजह से यहां पर मैं वीक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकता, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक भी है तो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन बेस कैटलाइज में मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, सो एसिड कैटलाइज्ड इंक्रीजेस द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन और सी डबल बॉन्ड, so even the weak nucleophile can be added,
वीक न्यूक्लियोफाइल कैन बी एडेड, न्यूक्लियोफाइल कैन बी एडेड। और न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ अगर एक जैसा होगा तो रेट की बात करना शुरू कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। दूसरा कंपैरिजन करते हैं भाई, अब अगर मान लो अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, अगर मान लो अपन एसिड और बेस कैटलाइज की बात करें ना करें और अपन कार्बोनिल कंपाउंड का ही रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है एच सी डबल बॉन्ड हो और इधर एच है अपने पास, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो और इधर एच है अपने पास, और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो और इधर भी सी एच थ्री अपने पास, तो इनमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किसका होगा? उसको बेस कैटलाइज बोलते हैं। लिखा ये लिखा ना इधर अपन ने, बेस थोड़ी यूज किया, बेस कैटलाइज मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस कैटलाइज। इट इज नॉट दैट कि पहले OH नेगेटिव ऐड करते हैं उसके बाद फिर अपन रिएक्शन करते हैं, मतलब बेस कैटलाइज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप अच्छा ठीक है सर, जैसे HCN का एडिशन करना है तो थोड़ा NaOH डाल देते हैं, लो हो गया बेस कैटलाइज, क्योंकि HCN में H+ आयन इतना वीक होगा कि ये प्रोटॉन दे ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब है कि आप इसको थोड़ा सा ऐड करो जिसमें ये लिमिटिंग एजेंट है, तो आप इसको NaCN बना लोगे और H2O बन जाएगा, तो फिर इसमें CN नेगेटिव जो है वो अटैक कर लेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल्स हो वहां पर अपन को बेस की जरूरत पड़ी उसके प्रोटॉन को अटैक के लिए, दैट इज बेस कैटलाइज्ड। अब अगर इनमें बात करेंगे अपन की रेट ऑफ रिएक्शन फॉर राइट ना और कार्बोनिल कंपाउंड, अगर अपन ऐसे बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें अगर रेट की बात करनी है कि कौन इजीली रिएक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे तो वहां पर अपन कैटलिस्ट की बात नहीं करेंगे, अपन ने सिर्फ बेस की बात की, वैसे कि भाई बेस कैटलिस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब। तो अगर अपन इन सब में चेक करें तो अपन कहेंगे देखो सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे है, क्यों? क्योंकि इसमें प्लस इफेक्ट नहीं है लेकिन इसमें प्लस इफेक्ट है, इसका प्लस इफेक्ट है, इसमें इसका प्लस इफेक्ट है, इसमें इसका प्लस इफेक्ट। तो अगर ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, तो अपन लिखेंगे प्लस इफेक्ट डिक्रीजेस द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीजेस द डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनिल कार्बोनेट, कार्बोनेट, सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तब तो मैं लिख सकता हूं कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इससे, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वी कैन राइट लाइक दिस, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे मैं बता सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक अटैक की भाई इसमें पर कैसे बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब अपन लिख सकते हैं दैट इज तुम लोग ऐसे परेशान क्यों हो, तो कि पेज नंबर दिखा दो ये कर दो वो कर दो, रहने दो ना, मतलब बता देंगे यार, एक बार लिख के तो छोड़ दो, चार पांच बार बोलते हो तुम लोग, मतलब एक ना फ्लो रहता है पढ़ाने का, उस फ्लो में चलने दिया करो, तुम लोग बाद में मिल ही जाएगा ना, देख रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब एक बात है अपन कहेंगे ठीक है आपने ये सब बता दिया, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स अपन को पता चल गया है, और ड्यू टू द पोलर साइड दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक एसिड कैटलाइज और एक बेस कैटलाइज। एसिड कैटलाइज ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी अपन ऐड कर लेंगे,
अब अपने पास एक चीज आएगी कि सर ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। भाई आपने न्यूक्लियोफाइल तो बताया, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बताई आपने, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका कोई डिवीजन वाला पार्ट अपन जनरली नहीं करते हैं, लेकिन मतलब 99.9999% केसेस में ऐसे बोल सकता हूं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो इस वजह से आर जनरली ऑब्वियसली पता है लुईस बेस तो होना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना तो पड़ेगा ही, आर जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो इनको अपन वीक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जैसे H2O हो गया, ROH हो गया, H2S हो गया, RCOH हो गया, PHOH हो गया, NH3 हो गया, RNH2 हो गया, these are weak nucleophiles। मतलब इसमें तुम देखोगे तो मैंने कहीं भी मतलब सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं लुईस बेसिस। तो फिर सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको बोले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या सोचे, मतलब मुझे कुछ अलग से सोचना पड़ेगा या मतलब मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अपन कहेंगे सर इन सब में ना मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि आप ना इनके हाइड्रोजन को अटैक के सॉल्ट बना रहे, मतलब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जैसे अगर है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में रख रहे हो। यू आर राइटिंग दोज एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यू आर राइटिंग देम एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर आगे लिखने की तुमको और जरूरत नहीं है, वी नो दैट कि आप ये बता रहे हो। अब इसमें मैंने सोडियम लिखा, पोटेशियम होता तब भी मैं यही बताता, लेकिन जनरली वो सोडियम ही यूज करते हैं इसलिए मैंने सोडियम से लिखे सारे के सारे। मतलब अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है लुईस बेस है तो भाई वो वीक न्यूक्लियोफाइल, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिखना है तो वो सॉल्ट के फॉर्म में होना चाहिए। राइट, तो ऐसे अपन थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज वीक न्यूक्लियोफाइल व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब अपन चेक करते हैं रिएक्शंस। अब ये तो जनरलाइज था कि भाई आप वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिख लो, राइट, और इधर अपन मतलब न्यूट्रल अगर है तो इट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अब अपन एडिशन पढ़ते हैं। अब अपन एग्जांपल लेते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब इसको तो पढ़ ही नहीं पाएंगे अपन, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो रिएक्शन पे आ गए, एक बड़ी बात है, दो क्लास में एक क्लास में अब फटाफट खत्म हो जाएगा क्योंकि अब रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो फटाफट समझ में आ जाता है। एक्चुअली अगर बेसिक्स पार्ट समझ में आया ना आपको, जितना पढ़ाया मैंने अगर वो पार्ट समझ में आया ना फिर रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब रिएक्शन अपन फटाफट समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने सारा बेस पढ़ा दिया, क्या करना है तो वो रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में समझ भी हो भी जाएगा, नेक्स्ट क्लास में तो अपना हो भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा वो आ रहा है। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री का कंप्लीट करो होमवर्क और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करो होमवर्क, राइट, वो कंप्लीट करो आप होमवर्क, उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के नोट्स भेज दिए जाएंगे, थैंक यू।
हाँ गुड गुड गुड, आपने सही चीज याद दिलाई सर। बाकी सब तो ठीक है, मतलब आप ना सेव करो पहले। ये चीज उसने सही की, पता मैं बंद करने वाला था। बिल्कुल सही बात कहा आपने, यही गड़बड़ हो जाती है मुझसे पता। रिकॉर्डिंग तो करता हूँ लेकिन फिर वो गड़बड़ हो जाती है पता। अभी मैंने सेव किया, सेव किया मैंने, सेव किया। हाँ कल के नोट्स मिल गए होंगे, अभी मैंने सेव कर लिया बिल्कुल। और थैंक यू, मतलब तुमने बता दिया पता, नहीं तो मैं बंद करने वाला था और बस खत्म ना। तो चलो कर लिया नोट्स, भेजता हूँ थोड़े हैं। अच्छा हाँ, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसके लेक्चर भेजता हूँ मैंने मेरे फोन में, मैं अभी अभी भेजता हूँ थोड़ी देर। चलो बाय, थैंक यू।